बीती देर शाम को लखनऊ में सीएम के काफिले के आगे चलने वाली जिला प्रशासन की एंटी डेमोन्स्ट्रेशन कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे में 11 लोग जख्मी थे। अब मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इन 11 घायल लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला और एक किशोरी ने दम तोड़ दिया है। दरअसल बीते शनिवार की देर शाम लखनऊ के अर्जुनगंज में एक मरे हुए जानवर से टकराने के बाद जिला प्रशासन की एंटी डेमोन्स्ट्रेशन गाड़ी पलट गई थी, जिसके बाद 5 पुलिसकर्मी समेत 11 लोग इस हादसे में घायल हो गए थे। हादसे की जानकारी मिलते ही डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ कई अन्य अधिकारी भी सिविल अस्पताल पहुंचे थे। अचानक हुई इस घटना के बाद पुलिस महकमे और प्रशासन में हड़कंप मच गया था, लेकिन देर शाम तक किसी की भी मौत की सूचना नहीं थी। वहीं आज 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक महिला और एक किशोरी शामिल है। इस हादसे में घायल लोगों से मिलने के लिए सीएम योगी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे और घायलों का हालचाल उन्होंने लिया। सीएम योगी के साथ डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और साथ ही डॉक्टरों को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए व समुचित इलाज का आदेश दिया है। बता दें कि बीती शाम लखनऊ जिला प्रशासन की एंटी डेमो स्कॉर्पियो कार के साथ ये हादसा हुआ। ये गाड़ी सीएम के काफिले के आगे चलती है और ये सुनिश्चित करती है कि यात्रा के रूट में कोई रुकावट ना आए। हालांकि इस गाड़ी का सीएम योगी की अपनी फ्लीट से कोई संबंध नहीं है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।